नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवांशु तिवारी और आप लोग देख रहे हैं techcompero.com। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे रॉयल इनफील्ड 350 के बारे में। तो रॉयल इनफील्ड 350 के बारे में सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, और अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि मैं जब भी नया वीडियोज़ डालूँ तो आप तक डायरेक्ट नोटिफिकेशन पहुँच जाए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज़ डेली लाता रहता हूँ। सो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं रॉयल इनफील्ड 350 के वेरिएंट डिटेल से। तो रॉयल इनफील्ड 350 दो मॉडल्स में आती है, पहली है क्लासिक 350 और दूसरी आती है बुलेट 350। तो यहाँ पे आपको काफ़ी अलग अलग वेरिएंट्स मिल जाएंगे और इसमें आपको डिफरेंट कलर के डिफरेंट प्राइसेस मिलते हैं। तो इस पूरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके प्राइस डिटेल्स, स्पेसिफिकेशंस, सारे फीचर डिटेल्स के बारे में। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिए। और ये वीडियो शूट हुआ है रॉयल इनफील्ड एशिया मोटर्स सुल्तानपुर यूपी, जो कि KNIT के पास पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 है। इसकी जो प्राइस है वो आपको पड़ेगी 1.46 लाख रुपीज़, यानी कि लगभग 1.5 लाख रुपए इसकी एक्स शोरूम प्राइस है। वहीं पे बात करेंगे रॉयल इनफील्ड बुलेट 350, जो कि वीडियो में चल रही है इस समय। इसकी जो प्राइस आपको पड़ेगी वो पड़ेगी 1,22,000 रुपये अप्रॉक्सीमेटली इन सुल्तानपुर यूपी। ये अलग अलग शहरों में वैरी करेगी। ये है एक्स शोरूम प्राइस। वहीं पे अगर बात करें इसके अलग अलग वेरिएंट्स के प्राइस डिटेल्स की, तो इसमें आपको जो ABS वर्ज़न मिलेगा, इसमें आपको मिलेगा 1,32,000 रुपये इसके लिए खर्च करने पड़ेंगे। यानी कि एक्स शोरूम प्राइस इसकी जो है ABS की, वो पड़ेगी 1,12,000 रुपये। 11,200 रुपये आपको RTO का चार्ज देना पड़ेगा और 8,900 रुपये अप्रॉक्सीमेटली आपको इंश्योरेंस का चार्ज देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो ऑन रोड प्राइस पड़ेगी ABS मॉडल की, वो पड़ेगी 1,32,000 रुपये की। वहीं पे ES ABS की बात करें तो इसकी जो ऑन रोड प्राइस पड़ेगी वो आपको 1,48,000 रुपये के करीब पड़ेगी। तो ये बात हो गई बुलेट 350 की। अभी हम लोग बात करेंगे क्लासिक 350 के बारे में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बुलेट 350 को। क्लासिक 350 की बात करें तो इसकी एक्स शोरूम प्राइस जो है वो आपको पड़ेगी 1,46,000 रुपये अप्रॉक्सीमेटली इन सुल्तानपुर यूपी। ये भी शहरों के साथ वेरी करेगी। इसमें आपको पांच वेरिएंट्स मिल जाएंगे। पहला वेरिएंट है एस वेरिएंट। इसकी जो ऑन रोड प्राइस पड़ेगी वो 1,67,000 रुपये, यानी कि 1,67,000 रुपीज़ पड़ेगी लगभग। वहीं पर ABS सिग्नल एडिशन आपको पड़ेगी 1,78,000 रुपये के करीब। इसके अलावा रेडिश ABS पड़ेगी 1,78,000 रुपये के करीब। और गन मेटल ग्रे की जो कीमत है ऑन रोड, वो पड़ेगी 1,80,000 रुपये के करीब। इसके अलावा सिग्नल्स एडिशन की जो ऑन रोड प्राइस है वो है 1,90,000 रुपये के करीब। तो ये बातें हो गई प्राइस डिटेल्स और वेरिएंट डिटेल्स की। अभी हम लोग बात करेंगे कि आपको इस गाड़ी में क्या फ़ीचर्स मिलते हैं, इसके इंजन में आपको क्या चीज़ें मिलती हैं और इसकी माइलेज कितनी है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं रॉयल इनफील्ड बुलेट 350 के ABS मॉडल से। तो ABS मॉडल जिसकी कीमत 1,12,000 रुपये एक शोरूम प्राइस है। और बात करते हैं इसके इंजन की, तो यहाँ पर आपको एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक ट्विन स्पार्क इंजन मिलेगा। ऐसे में आप देख सकते हैं रॉयल इनफील्ड का फ्रंट लुक, और यहाँ पे आप अगली डिस्क ब्रेक्स देख सकते हैं। और बुलेट 350 जो है वो एक स्टेटस सिंबल का काम करेगा आज की सोसाइटी में। तो शुरुआत करते हैं इसकी कैपेसिटी ऑफ इंजन की बात करें, तो यहाँ पे आपको 346 cc का, यानी कि 346 cc का इंजन डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। इसी के साथ पावर की बात करें तो 20.07 PS एट द रेट ऑफ 5,250 RPM का मैक्सिमम पावर है। टॉक की बात करें तो 28 Nm एट द रेट ऑफ 4,000 RPM का मैक्सिमम टॉक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बुलेट 350 लिखा हुआ है, और ये इसका किक स्टार्ट, रॉयल इनफील्ड की बैचिंग ऑन टैंक, फ्यूल टैंक। 70 mm का बोर और 90 mm का स्ट्रोक है। सिंगल सिलेंडर यहाँ पे आपको मिलता है, 2 वॉल्स पर सिलेंडर मिलेंगे, और यहाँ पे आपको कार्बोरेटर मिलेगा, फ्यूल सिस्टम।
ये आप देख सकते हैं इसका इंस्ट्रूमेंटेशन सेक्शन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके सीट कवर्स। इसके अलावा बात करें अगर कंप्रेशन रेशियो की, तो यहाँ पे आपको 8.5:1 का कंप्रेशन रेशियो मिलता है। डिजिटल डुअल स्पार्क इग्निशन TCI सिस्टम, यहाँ पे आपको इग्निशन सिस्टम मिलता है। इस समय आप देख रहे हैं क्लासिक 350, वो थी बुलेट 350 और ये है क्लासिक 350 वाइट कलर की। सारे स्पेसिफिकेशंस लगभग सेम हैं दोनों में। बात करें ट्रांसमिशन सिस्टम की, तो आपको मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम मिलती है विद 5 गियर्स। आगे की ब्रेक्स आपको डिस्क मिलती है, पीछे की ब्रेक्स भी यहाँ पर डिस्क मिलेगी, डुअल डिस्क। 40 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज जो है वो कंपनी क्लेम करती है फॉर बुलेट 350। इसके अलावा अगर एक्सेलरेशन की बात करें, तो 0 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार 3.6 सेकंड में यानी 3.5 सेकंड में पकड़ेगी। और टॉप स्पीड की बात करें, तो कंपनी क्लेम करती है 130 किलोमीटर पर आर की, यानी कि 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार कंपनी क्लेम करती है, जबकि व्यवहार में उससे ज़्यादा भी हो सकता है। कहीं पे आदर्श कंडीशन में रखी जाती है इसकी टॉप स्पीड। ट्विन स्पार्क 350 लिखा हुआ है। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चेसिस की। तो यहाँ पे आपको सिंगल डाउन ट्यूब का चेसिस टाइप मिलता है। फ्रंट सस्पेंशन की बात करें, तो टेलीस्कोपिक फॉक्स मिलते हैं, और रियर की बात करें तो ट्विन शॉक एब्जॉर्बर मिलते हैं विद 5-स्पीड एडजस्टेबल प्रीलोड। बात करें टायर्स की, तो यहाँ पे आपको जो टायर साइज फ्रंट का है वो 3.2519 का है, और रियर का जो टायर साइज है वो 3.2519 का है। अगर पीछे दोनों ही टायर्स आपको सेम साइज़ के मिलते हैं, 19 इंच के व्हील्स यहाँ पे आपको मिलते हैं। टायर टाइप जो है वो ट्यूब के साथ आती है। यहाँ पे 22 PSI का जो है वो आपको ऑप्टिमम टायर प्रेशर मिलता है। डायमेंशंस की बात करें, तो 2.1 मीटर की अप्रॉक्सीमेटली इसकी लेंथ यानी कि लंबाई है, 810 mm की इसकी विड्थ यानी कि चौड़ाई है, 1.1 मीटर की अप्रॉक्सीमेटली इसकी हाइट यानी कि ऊंचाई है, 1.4 मीटर अप्रॉक्सीमेटली आपको मिल जाएगा व्हील बेस। इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 135 mm की है। आपको दोनों ही बाइक्स में बहुत ही थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है। फ्यूल कैपेसिटी आपको 13.5 लीटर की मिलती है, 13.5 लीटर की, 185 kg का कर्व वेट मिलता है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं बुलेट 350 की, तो अभी हम लोग बात कर रहे थे बुलेट 350 की, अभी हम लोग बात करेंगे क्लासिक 350 के बारे में। और बुलेट 350 की अगर इलेक्ट्रिकल्स की बात करें, तो 12 वोल्ट की आपको बैटरी मिल जाती है, 5 AH की, 5 एम्पीयर की, हेलोजन हेडलैम्प्स मिलते हैं और पायलट लैम्प मिल जाता है। यहाँ पे आपको टर्न सिग्नल लैम्प मिलता है बल्ब। फीचर्स की बात करें, तो सिंगल चैनल ABS आता है। यहाँ पे आपको क्रूज़ बाइक कंट्रोल मिलता है बॉडी टाइप। यहाँ पे आपको सेल्फ स्टार्ट मिलता है, किक स्टार्ट यहाँ पे मिलता है आपको, और सिंगल सीट टाइप मिलती है जो कि आपको डबल मिल जाएगी क्लासिक में। डिजिटल टैकोमीटर मिलेगा, लो फ्यूल लेवल वार्निंग लैंप यहाँ पे आपको मिलती है, पैसेंजर फुटरेस्ट, एयर कूल्ड सिस्टम यहाँ पे आपको मिलेगा इंजन का, एनालॉग कंसोल मिलेगा और एनालॉग ऑडोमीटर मिलेगा। वारंटी की बात करें, तो इसमें आपको स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है फॉर 10,000 किलोमीटर्स। तो ये बात हो गई बुलेट 350 ABS की। वहीं पे अगर बात करें क्लासिक 350 के बारे में, तो इसके भी सारे स्पेक्स बिल्कुल सेम हैं, बिल्कुल नहीं, थोड़े से आपको अंतर देखने को ज़रूर मिलेगा, बहुत ही थोड़ा। इसके जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंजन है वो मिलेगा आपको 346 cc का।
और इसका 8.5:1 का कंप्रेशन रेशियो है, 5 स्पीड मैनुअल गियर्स मिलते हैं, ब्रेक्स भी आपको सेम मिलते हैं, चेसिस एंड सस्पेंशन सेम मिलेगा, टायर्स एंड व्हील्स लगभग सेम हैं। टायर का जो पिछला टायर का साइज़ है वो क्लासिक में आपको 110/90/18 का मिलेगा, ये अंतर है, और फ्रंट का जो टायर है वो 90/90/19 का मिलेगा, तो ये अंतर है टायर साइज़ में। डायमेंशंस में थोड़ा सा अंतर मिलेगा, और इलेक्ट्रिकल्स की बात करें तो आपको डीसी बैटरी मिलती है, 12V 8 Ah की आपको बैटरी मिलेगी इन क्लासिक 350। फीचर्स की बात करें तो सिंगल चैनल ABS मिलेगा, क्रूज़ बाइक्स बॉडी टाइप है, और किक एंड सेल्फ स्टार्ट दोनों ही मिल जाएगा क्लासिक में। एनालॉग स्पीडोमीटर मिलेगा, एनालॉग ट्रिप मीटर है, लो फ्यूल लेवल वार्निंग लैंप है, और लो बैटरी इंडिकेटर है, लो ऑयल इंडिकेटर, पैसेंजर फुटरेस्ट, एयर कूल्ड कूलिंग सिस्टम है, एनालॉग कंसोल है, और एनालॉग ऑडोमीटर मिलता है। वारंटी की बात करें तो आपको स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है। सो फ्रेंड्स, ये थे सारी डिटेल्स अबाउट क्लासिक 350 एंड बुलेट 350। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए। अगर कोई भी सवाल या फिर सुझाव हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको शोरूम का नंबर चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, उस बेल आइकन को दबाइए ताकि मैं जब भी नए वीडियोस डालूँ तब तक डायरेक्ट नोटिफिकेशन पहुँच जाए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस डेली लाता रहता हूँ। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको इस गाड़ी के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो techcompero.com लॉगिन कीजिए, वहाँ पर जाकर इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, बाय।